संडे की मॉर्निंग शुरू होती है गर्मा गर्म स्पाइसी मैगी के साथ। तो यहाँ पर मैगी बनाने की तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट सब कुछ चॉपिंग वगैरह हो गया है, आज मैगी खाने वाले हैं। सर्दी की वजह से दीप्ति की आज हालत खस्ता हो, दिमाग खराब कर देने वाला काम हो गया है। संडे की मॉर्निंग शुरू होती है गर्मा गर्म स्पाइस आलू का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा। फ्रेंड्स, ताजी मूली है जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, जो मैं खरीद रही थी, बस वही सर्दी की वजह से दीप्ति की आज हालत खस्ता हो जा रही है। मतलब बर्तन धुल के आई हूँ, आप देख सकते हैं हाथ जो है एकदम से रेड रेड जैसे हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और मतलब ऐसे हाथ जैसे कांप जैसे रहे हो, वैसे वाले हो जा रहे हैं। संडे है, सोचा था कि नहाएंगे, बाल वाल धुलेंगे, गर्म पानी से अच्छे से हेयर वॉश हो जाएगा, शैम्पू हो जाएगा, बट ये देखिए बारिश जो है ना वो फिर से स्टार्ट हो गई है। कड़ाके की ठंड है, मतलब आज दिमाग खराब कर देने वाला काम हो गया है। और एक एक चीज मैं दिखाऊं, मतलब दीप्ति राजपूत आज इतना ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, देखिए बिना चप्पल के, बिना जूते के, बिना कैप के इस तरीके से घूम रहे हैं, चाहे ठंड लगे चाहे कुछ भी लगे। सुबह से 4 बार पहना चुकी हूँ लेकिन इनको समझ में नहीं आता है, मतलब करना अपने मन का ही है। और दूसरी चीज ये देखो, पूरा जो है ना बालकनी कबूतरों ने गंदा करके रखा हुआ है, बारिश की वजह से गंदा हो गया है। एक तो इतना ज्यादा ठंड है, ऊपर से इतना सारा काम है, और मतलब बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। जब कड़ाके की सर्दी होती है, बारिश होती है, तब आपको जो घर के काम करने होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा इरीटेट करते हैं, बहुत ज्यादा इरीटेट करते हैं। और आज जो है ना मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, किसे बना रही हूँ, मैं ट्राईपॉड से व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैंने व्लॉगिंग के लिए स्पेशली लिया था, अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया हुआ था, उसी से मैं बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से इससे बना रही हूँ, अच्छा बन रहा है, मैं ट्राई करके देखती हूँ। हाँ अच्छा बन रहा है, ठीक है, यस। तो आगे इसी से ही बनाने वाली हूँ मैं। बाहर खाने के लिए जाएंगे, दोबारा से बोलो। संडे का दिन है, सोचा था कुछ बाहर खाने के लिए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें बंद हो रही है ना कोविड की वजह से, बाहर जाना सेफ नहीं है, इसलिए घर पे ही मैगी बना के खा रही हूँ। और अगर देखते हूँ शाम तक अगर कुछ ऑर्डर हो जाता है खाने के लिए तो ऑर्डर कर लेंगे। वैसे सोचा था संडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, कुछ स्पेशल बाहर खाने के लिए जाएंगे, बट सारा कुछ प्लान कैंसिल हो गया। अभी घर में ही जो अवेलेबल है उसी को ही बना के खाना है। लंच में बनाने जा रही हूँ मूली के पराठे। तो सबसे पहले जो है ना मूली को ग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे बनाना होता है मूली का पराठा। बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, फ्रेश फ्रेश ताज़ी मूली है जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था ना, जो मैं खरीद रही थी, बस वही वाली मूली है। गर्मा गर्म मूली के पराठे जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं यहाँ पर, देखिए। और दीप्ति राजपूत किचन पर आप अपने फेवरेट पराठों की रेसिपी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डालिए दीप्ति राजपूत किचन, #, आलू का पराठा, मूली का पराठा, गोभी का पराठा, व्हाटएवर, जो भी आपका फेवरेट पराठा हो मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। मेरा फेवरेट पराठा कौन सा है अगले वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगी। वैभव बेटा, आपके मम्मा का क्या नाम है? दीप्ति राजपूत किचन। दीप्ति राजपूत किचन मम्मा के यूट्यूब चैनल का नाम है बेटा, दीप्ति राजपूत किचन मम्मा का नाम नहीं है। मम्मा का नाम क्या है, इधर देखो, दीप्ति राजपूत। दीप्ति राजपूत। कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलते हो, आपके मम्मा का क्या नाम है? दीप्ति राजपूत। मतलब हद कर दी है, हद हो गई है, दीप्ति राजपूत किचन, हे भगवान, हद हो गई है। मतलब कोई भी अगर वैभव से ये पूछता है कि आपके मम्मा का क्या नाम है, तो वैभव हमेशा यही बताते हैं कि मेरी मम्मा का नाम दीप्ति राजपूत किचन है। मतलब मोस्टली जब भी मैं मेरे वीडियोस को वॉइस ओवर देती हूँ और मतलब वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे दीप्ति राजपूत किचन लिखना होता है। तो इस वजह से वैभव के माइंड में ये सेट हो गया है कि मेरी मम्मा का नाम जो है ना वो दीप्ति राजपूत किचन है। कल जो है ना ट्यूशन में क्या हुआ, मैम ने पूछा वैभव आपकी मम्मा का क्या नाम है, वैभव बोल रहे हैं मेरी मम्मा का नाम दीप्ति राजपूत किचन है। मतलब बच्चे भी है ना कितने क्यूट होते हैं, उन्हें पता नहीं होता एग्जैक्टली होता क्या है।